वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. ओके, वी आर डन विद द मनी चैप्टर एंड वी आर डन विद बैंकिंग. ओके, बैंकिंग हमने कर लिया, ठीक है, मनी भी हमने कर लिया. नाउ लेट अस बिगिन विद अनदर चैप्टर, दैट इज गवर्नमेंट बजट. दैट इज गवर्नमेंट बजट. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट होता क्या है? सो इट इज एन एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. That reveals the budgetary policy of the government. मतलब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आने वाला है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में. आने वाले फाइनेंशियल ईयर में दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से इनकम कितना कितना पैसा आने वाला है. एक जस्ट एस्टिमेट होता है कि भाई हमारे पास ऑलमोस्ट इतना पैसा आएगा. गवर्नमेंट सेज दैट वी विल रिसीव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट वी विल डू एक्सपेंडिचर ऑन दिस थिंग्स, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन दिस थिंग्स इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. आने वाले फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March. सो फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल 1st April से लेकर 31st March तक हम लोग ये एक्सपेंस और ये इनकम का सोर्सेज है हमारा, ये हम लोग करने वाले हैं. दैट इज गवर्नमेंट बजट. ओके, ऑन एवरी फर्स्ट फेबररी को द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट. हर फर्स्ट फेबररी को फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट का बजट बना के पार्लियामेंट में रखते हैं अप्रूवल के लिए. ओके, नाउ व्हाट डज द बजट अनफोल्ड्स, मतलब बजट में होता क्या है एक्चुअली. तो बजट में मेनली दो बातें होती हैं. फर्स्ट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर, मतलब पिछले साल की गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने एक्चुअली में एक्सपेंस किया, कहाँ कितनी कितनी गवर्नमेंट को इनकम आई. ठीक है, एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल. ओके, कितना कितना हुआ एक्सपेंडिचर और कितना कितना आया पास्ट ईयर पे. ठीक है, पास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी फाइनेंशियल मेजर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया. सेकेंड थिंग क्या होती है इसके अंदर, कि आने वाले ईयर में फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट ईयर व्हाट आर द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दे आर गोइंग टू अडॉप्ट. क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट आने वाले साल में करने वाली है, क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट आने वाले साल में करने वाली है. दीज आर द टू थिंग्स. एक तो पास्ट का तो अपना परफॉर्मेंस क्या रहा वो एक्सप्लेन करती है और फ्यूचर में वो लोग क्या करने वाले हैं वो बताता है बजट. ठीक है, सो ये था. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बजटरी पॉलिसी क्या होता है. बजटरी पॉलिसी क्या होता है. ओके, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर प्रेजेंटेड इन बजट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट करने वाली है आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले ईयर में गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लाने वाली है, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाने वाली है. ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स आने वाली है. ठीक है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है, कौन कौन से एरिया में गवर्नमेंट पैसे लगाने वाली है. ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेगी चीज़ों को लेके. ठीक है, That all that are written in the budget, बजट में ये जो लिखी हुई होती है सारी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी. दैट इज़ कॉल्ड बजटरी पॉलिसी. जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज वैन इट इज़ रिटन इन द बजट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी. इज ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसीज. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द बजटरी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव टू एक्सपेक्ट्स. दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर. एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर. बजटरी पॉलिसी के दो भाग होते हैं. फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड द अदर इज एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ व्हाट इज रेवेन्यू साइड, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेक्ट. ओके, रेवेन्यू साइड ऑफ द बजटरी पॉलिसीज रिवील्स द एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बजटरी पॉलिसी का जो रेवेन्यू साइड होता है वो एक्सप्लेन करता है कि आने वाले साल में लगभग कितना पैसा गवर्नमेंट को आने वाला है और किस किस सोर्स से आने वाला है वो लिखा हुआ होता है. ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजटरी पॉलिसी रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब आने एक्सपेंडिचर साइड में क्या होता है, व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू
प्लानिंग टू एक्सपेंस इन द कमिंग ईयर, मतलब कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है आने वाले साल में, वो सब लिखा हुआ होता है एक्सपेंडिचर साइड में. ओके, होप दिस वॉज वेरी इजी थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट. वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, लेट अस डिस्कस दिस. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज GDP ग्रोथ. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज GDP ग्रोथ. बिफोर डूइंग दिस वी मस्ट नो वॉट इज GDP. GDP क्या होती है वो भी बताना चाहिए अपने को, ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डन इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, बट वंस अगेन लेट्स डू इट. GDP इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. मतलब एक कंट्री में एक पूरे साल में, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती है उनकी वैल्यू, उनकी टोटल वैल्यू कहलाती है हमारी GDP. ठीक है, सो GDP ग्रोथ इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन बजटरी पॉलिसी. GDP ग्रोथ ही तो मेन ऑब्जेक्टिव है. जब GDP ग्रोथ होगी तभी तो कंट्री प्रॉस्पर करेगा, कंट्री आगे तभी तो बढ़ेगी जब किसी कंट्री की GDP ग्रोथ अच्छे से होगी. ठीक है, सो इट इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. ठीक है, सो हाउ इट कैन बी अचीव, कैसे अचीव कर सकते हैं GDP ग्रोथ को. GDP ग्रोथ मतलब क्या हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल गुड्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होगी इकोनॉमी के अंदर, तभी तो GDP ग्रोथ होगी, क्योंकि वो उन्हीं का सम टोटल होता है. ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है. बट एक तरीका तो ये, वन वे इज़ दैट गवर्नमेंट इट्सेल्फ डू सम पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, गवर्नमेंट खुद कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट खुद पैसा लगाए, इंडस्ट्री सेटअप करे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करे, सर्विस इंडस्ट्री सेटअप करे, खुद प्रोवाइड करवाए सर्विसेज और फिनिश गुड्स. वन वे इज दिस. एंड द अदर वे इज बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, वी हैव डन इन द बेसिक लेक्चर, हमने उसमें कर लिया है क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. ओके, सो बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइवेट जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट, उनको इंड्यूस करना. इंड्यूस मतलब हिंदी वर्ड, प्रॉपर हिंदी वर्ड होता है इंड्यूस का, मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना. ठीक है, उनको प्रेरित करना या उनको कन्विंस करना कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, वो लोग कुछ एक्सपेंडिचर करें अपनी तरफ से, वो लोग कुछ नई इंडस्ट्री सेटअप करें, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप करें, कुछ सर्विस इंडस्ट्री सेटअप करें, कुछ पैसा लगाए. क्योंकि इफ़ वन पर्सन इज़ टू सेट अप अ इंडस्ट्री, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, सो वाई पीपल विल डू इन्वेस्टमेंट, क्यों करेंगे लोग इन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट उनको कुछ लालच देगी. व्हेन गवर्नमेंट विल गिव समथिंग, सो व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट आस्क देम दैट यू सेट अप इंडस्ट्री, वी विल गिव यू टैक्स रिबेट्स, हम आपको टैक्स माफी, टैक्स आपका माफ़ कर देंगे कुछ सालों के लिए, हम आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, आपको कुछ पैसा हम दे देंगे सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, मतलब गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम बाय गिविंग सम मनी. ओके, सो गवर्नमेंट इज गिविंग देम सम, कुछ ग्रीड देके, उनको कुछ फ़ायदा देके उनसे इंडस्ट्री सेटअप करवा सकती है. ठीक है, तो दो तरीके हैं GDP ग्रोथ के अचीव करने के, GDP ग्रोथ को अचीव करने के. देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज by the government itself, government does public investment expenditure, or by inducing private people to do private investment expenditure. Okay, next objective of budget is budgetary policies, allocation of resources. Next objective of government budget is allocation of resources, ki resources ka allocation. Okay, in the society, in the economy, there are some goods which are very much profitable, but they are not good for the society, वो गुड सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स एट्सेट्रा, दीज गुड्स आर वेरी मच प्रॉफिटेबल. ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, आप सबको पता है, इस पर बहुत सारा पैसा, किसी से भी कितना भी पैसा मांग लो, जिसको आदत है इन चीज़ों की वो खरीदेगा ही खरीदेगा. So these are very much profitable goods, but they are not good for the society. And there are some goods which are very much useful for the society, but they are not profitable. वो profitable नहीं होते. So generally what happens, private people, what private person will do, no, I'm not talking about government, I'm talking about private. What private enterprises will do, private enterprises will always desire to allocate their resources in such goods which are giving huge
profit, which are given huge profit. They will not care about social welfare or anything. They will always allocate their resources, their money in those goods which are giving them maximum profit. Okay? Which are not even good for the society. But what government has to do, government has to restrict them. Government has to make social welfare goods also. Government को social welfare goods भी market में लाने हैं. तो दोनों का balance होना चाहिए. Government को क्या करना है, कुछ profitable goods भी होना चाहिए और कुछ social welfare goods भी होना चाहिए. अगर सारे ही goods social welfare वाले हो जाएंगे, then why private people will induce their money, why private people will introduce their money in the economy? क्यों वो लोग खर्चा करेंगे भाई? उनको तो काम प्रॉफिट कमाना है ना. जब वो प्रॉफिट कमा पाएंगे तभी वो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे. अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी पीछे रह जाएगी, सिर्फ सोशल वेलफेयर ही करते रह जाएंगे फिर तो. बट इफ ओनली प्रॉफिट इज टेकन एज द मोटिव, देन सोशल वेलफेयर विल नॉट बी देयर. ओके, देयर विल बी केओस इन द इकोनॉमी. सो द बैलेंस ऑफ बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट गवर्नमेंट डज इन देयर बजटरी पॉलिसी और व्हाट गवर्नमेंट डज इन बजट, दे डायरेक्ट, okay, they direct the allocation of resources in such a manner that there is balance between both profitable goods and social welfare goods. वो लोग ऐसा direct करते हैं, वो लोग ऐसा कुछ policy लाते हैं जिससे क्या हो कि social goods भी बराबर बने और profitable goods भी, दोनों का balance रहे. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब profitable goods को रोकना है बनाने के लिए तो what government can do? Government can impose huge taxes. Okay, government can impose huge taxes. So what government does, if the good is very much profitable but it is not good for the society, government impose huge taxes and huge penalties on the production of that good. Okay, so that good is restricted. अगर उस पर ज़्यादा taxes होगा, ठीक है, तो obviously private वाले क्या सोचेंगे कि यार इसमें tax ही इतना देना पड़ रहा है profit में से, तो why to invest huge amount of money in that? So they will not allocate their resources in that only. And side by side, what government does? Government gives subsidies to produce social welfare goods. एक तो जो profitable और non social welfare goods हैं, उन पे तो क्या करेंगे? Huge taxes लगाएंगे. और साथ ही साथ जो socially welfare goods हैं, जो profitable नहीं हैं, उन पे subsidies लगाएंगे. तो दोनों तरह से government ने क्या किया? एक तरह से government ने opportunity दी है. You produce social welfare goods and we will give you some subsidies. तो एक तरह से लालच दे दिया private वालों को. ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनी स्टार्ट्स मेकिंग दिस गुड्स. सो दोनों का बैलेंस मेंटेन हो जाता है. ठीक है, एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट आर पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स होते क्या हैं पहले ये पता होना चाहिए, फिर हम कर पाएंगे उसके बारे में. ठीक है, सो व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स मीन्स अ कमोडिटी और सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड विदाउट प्रॉफिट to all the members of the society. Mark the word, without profit. A commodity or service that is provided without profit to all the members of the society. If some goods or commodity or services are to be provided without profit, do you think that private enterprises will be happy to invest their money in that goods or services? The answer is no. To fir karega kaun? Government will do. गवर्नमेंट विल डू फॉर द सोशल वेलफेयर. भाई प्राइवेट वाले तो क्यों करेंगे, जब इसमें प्रॉफिट ही नहीं तो प्राइवेट वाले अपना पैसा क्यों लगाएंगे इसके अंदर? नहीं लगाएंगे वो लोग, ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे. सो हु विल डू? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बनाएगा पब्लिक गुड्स. सो हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर गिवन टू द इकोनॉमी और गिवन टू पब्लिक एज अ होल विदाउट प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के वो लोग देते हैं. सो वॉट आर दीज गुड्स? एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इन गुड्स के? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, डिफेंस, डिफेंस के लिए जो गुड्स वगैरह बनते हैं ये सब बिना प्रॉफिट के बनते हैं. ठीक है, ये सिर्फ पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं. सो हु विल डू दिस? दिस ऑल विल बी डन बाय गवर्नमेंट इन द. सो गवर्नमेंट अलोकेट अ सेपरेट अमाउंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज पब्लिक गुड्स. इन पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट अलग से बजट के अंदर अपना एक हिस्सा निकाल के रखता है. ठीक है, सो दिस विल नॉट बी डन बाय द प्राइवेट. सो गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स सीज दैट दिस गुड्स आर सफिशियंटली provided to the public. Government अलग से इसके लिए पैसा निकाल के रखता है ताकि ये goods और services भी public को sufficiently मिल सके. Okay? So, okay. Next is redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth. Next objective of government budget. What is redistribution of income and wealth means? It means transfer of income and wealth from some individual
to other individual. Transfer of income and wealth from some individual to other individuals. हिंदी में बोला जाए तो कुछ लोगों के हाथ से पैसा लेके दूसरे लोगों को देना. It means taking money from rich people and donating it or transferring it to the poor people. कैसे? How it can be done? How it can be done? It can be done by imposing taxes on rich people and giving subsidies to the poor people. रिच पीपल पे तो आप क्या करो, हैवी टैक्सेस लगाओ, ठीक है, ताकि उनसे पैसा आ सके. और वो ही मनी, दैट मनी यू कैन यूज टू गिव सब्सिडीज टू द पुअर पीपल. पुअर पीपल को सब्सिडीज देने में, मतलब कुछ किसी भी चीज़ की प्राइस कम करने में काम यूज में ले सकते हो आप. ओके, एंड अदर वे इज बाय सप्लाइंग फूड, ग्रेन्स और नेसेसिटी आइटम्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल एट अ लोअर प्राइस. आप वो जो पैसा आपने टैक्सेस से यू लाया है आपके पास, यू कैन यूज दैट मनी बाय फॉर गिविंग फूड, ग्रेन्स और अदर नेसेसिटी आइटम्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल एट अ वेरी लो प्राइस. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सो दिस कैन बी डन बाय गवर्नमेंट इन देयर बजट. बजट में वो पॉलिसीज फॉर्म कर सकती है, लाइक टैक्सेस पॉलिसी फॉर्म कर सकती है कि जो रिच पीपल है, पर्टिकुलर इनकम के अभाव के जो पीपल हैं, जिन लोगों की इनकम पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, उनसे इतना टैक्स लिया जाएगा, तो उनसे टैक्स ले सकते हैं. और एक और पॉलिसी बना सकती है कि ये जो पैसा आया है और उसी पैसे से पुअर पीपल को दे विल गिव सब्सिडीज. सब्सिडीज मतलब बेनिफिट्स. ओके, दे कैन फॉर्म दीज पॉलिसीज इन गवर्नमेंट बजट ओनली. Okay, so these were the four objectives we did today. We'll carry forward tomorrow, but let's take a quick revision on the four objectives. कौन कौन से four objectives हमने पढ़े? First was GDP growth, second was allocation of resources, third was provision of public goods, and fourth and last was redistribution of income and wealth. तो GDP growth में क्या पढ़ा अपन ने, कि GDP growth कैसे दो तरीके से, there are two ways to improve the GDP growth. First was by making public investment expenditure and the other was by inducing private investment expenditure. Allocation of resources means to balance the profit, balance the production of profitable goods and social welfare goods. इन दोनों goods का balance maintain करना, ठीक है. How it can be done? It can be done by imposing heavy taxes on the goods which are profitable but not for social benefit and giving subsidies to the goods which are not profitable but are socially good. Okay, third was public provision of public goods. Public goods I have already we did. What are public goods? The goods and commodities or services that are provided at no profit to the public as a whole. So no profit, bina profit ke banayega kaun unko? Government will produce. So government keeps a separate सेट ऑफ बजट, सेपरेट बजट रखती है इसके लिए, अलग से पैसा रखती है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉर्म करके इन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है. लास्ट वी डिड वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच पीपल के हाथ से पैसा लेके पुअर पीपल को देना, ताकि इनकम का बैलेंस रहे, सबके पास बराबर पैसा रहे, ठीक है. सो हाउ कैन बी डन? इट कैन बी डन बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस टू रिच पीपल एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर पीपल एंड गिविंग फूड, ग्रेन्स और नेसेसिटी आइटम्स टू द पुअर पीपल एट लोअर प्राइस. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय.